बच्चों ये एक बार अपन पढ़ लेंगे रिवीजन में, फिर अब तक जो भी नहीं लिखे ना ये कंप्लीट करना चाहिए रिवीजन में, फिर एक बार रिपीट करें लेसन। अब तक जो भी नहीं लिखे इसको फिर में लिखना चाहिए रिवीजन में नेक्स्ट, और एक बार रिवीजन करें। देखिए पेज नंबर 17 आओ की मात्रा, पेज नंबर 17 आओ की मात्रा, द सिंबल ऑफ आओ, द सिंबल ऑफ आओ। देखिए फर्स्ट ना प्लस आओ, प्लस का प्लस आ, क्या हो गया ये नाउ का, ना प्लस आओ नाउ, का प्लस आ का, क्या हो गया नाउ का, ना प्लस आओ प्लस का प्लस आ नाउ का। देखिए इंग्लिश में भी ऐसी ना प्लस आओ प्लस का प्लस आ इज इक्वल टू नाउ का, क्या होगा नाउ का। सेकंड देखिए का प्लस आओ, का प्लस आओ काओ प्लस आ, क्या हो गया प्लस आ काऊआ, क्या हो गया का प्लस आओ काऊ आ, क्या हो गया काऊआ, का प्लस आओ प्लस आ काऊआ, ये इंग्लिश में लिखा जाता है का प्लस आओ काऊ प्लस आ काऊआ। इंग्लिश में देखिए का प्लस आओ प्लस आ काऊआ। देखिए नेक्स्ट खा प्लस ई खी, खा प्लस ई खी प्लस ला, प्लस आओ की मात्रा प्लस ना प्लस आ, क्या होगा खी लाओ ना, खा प्लस ई खी ला प्लस आओ लाओ ना प्लस आ ना, क्या होगा खी लाओ ना, क्या होगा खी लाओ ना। इंग्लिश में देखिए खा प्लस ई प्लस ला प्लस आओ की मात्रा प्लस ना इज इक्वल, क्या हो प्लस आ इज इक्वल टू खिलौना, ये क्या होगा खिलौना। फर्स्ट वन देखिए नौका कौवा खिलौना, ये सभी को क्या है ना आओ की मात्रा, यहाँ देखिए आओ की मात्रा, यहाँ क्या है यहाँ आओ की मात्रा, यहाँ आओ की मात्रा, ये सभी को क्या लगाता है आओ की मात्रा। नेक्स्ट देखिए आओ की मात्रा लगा, नेक्स्ट पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे देखिए पढ़ो और समझो, ये रीडिंग कर कर अपन समझना का चाहिए रीड एंड अंडरस्टैंड। देखिए इन सभी को बॉक्स में है, ये आप लोगों को भी रीडिंग करना चाहिए, सभी को क्या लगाया आओ की मात्रा। देखिए यहाँ काउन मौन नौका मौका दौलत कौआ हौदा गौर बौना हौ फौरन चौड़ा दौड़ा सौदा लौट यौवन चौदा नौकर हथौड़ा दौलत सरौता, ये सभी को क्या लगाया आओ की मात्रा। और देखिए रीडिंग एक्सरसाइज देखिए चौधरी दौड़ता दौड़ता बाजार गया, ये सभी को क्या लगाया आओ की मात्रा, और यहाँ भी चौधरी आओ की मात्रा, चौधरी दौड़ता दौड़ता बाजार गया, चौधरी दौड़ता दौड़ता बाजार गया, बाजार से उसने एक सरौता खरीदा, बाजार से उसने क्या खरीदा सरौता, सरौता यानी नटक्रैकर, एक खिलौना भी खरीदा, और क्या खरीदा एक खिलौना, खिलौना यानी टॉय, जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते ना उसको क्या कहते हैं खिलौना। 14 रुपये देकर उसने एक हथौड़ा खरीदा, कितने रुपए देकर 14 यानी 14। देखिए आप भी नंबर अच्छा याद करना चाहिए, 1 2 3 ये 14 को क्या कहते हैं 14। 14 रुपए देकर उसने एक हथौड़ा खरीदा, हथौड़ा यानी हैमर, हथौड़ा हैमर, फौरन वह घर की ओर चल पड़ा,
उसने एक जगह हलवाई की दुकान देखी। उसने क्या देखी है? हलवाई की दुकान देखी। पकौड़ी गरम गरम बन रही थी। पकौड़ी कैसी बन रही थी? गरम गरम, गरम यानी हॉट। एक गौना आदमी दुकान पर बैठा था। एक गौना आदमी, गौना यानी पिगमी, गौना यानी एक आदमी दुकान पर बैठा था। कहाँ बैठा था? दुकान पर। चौधरी ने पकौड़ी खरीदी। चौधरी ने क्या खरीदी? पकौड़ी खरीदी। आप लोग भी डेली एजुकेशन रीडिंग करना चाहिए और इसी को सब पैसे आपकी मात्रा, आपकी मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ये सभी मात्राएं के साथ लेसन से और उसमें थोड़े थोड़े वर्ड से जिसको जैसा है वैसा पढ़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे लास्ट मीनिंग से शब्दार्थ देखे हैं। क्या है? शब्दार्थ देखे। सरोता नटराकर, सरोता नटराकर, हथौड़ा हैमर, हथौड़ा हैमर, चौदह फोर्टीन, खिलौना टॉय, फौरन एडवांस, बौना पिग्मी, बौना यानी पिग्मी। ये देखिए मीनिंग्स, देखिए पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर देखिए इन चित्रों के नीचे उनके नाम लिखो। इन चित्रों के नीचे यानी पिक्चर्स के नीचे, पिक्चर्स देना उसके नीचे नाम लिखना। फर्स्ट वन क्या है? देखिए सरोता, फर्स्ट वन सरोता, फर्स्ट वन सरोता, नेक्स्ट वन हथौड़ा, सेकंड वन या हथौड़ा, फर्स्ट वन सरोता हथौड़ा यानी दौड़ा, थर्ड वन दौड़ा, फोर्थ वन लौकी, फोर्थ वन लौकी, फिफ्थ वन चौदह, फोर्टीन को क्या कहते हैं? चौदह। और नेक्स्ट पौधा, देखिए पौधा, फर्स्ट देखिए सरोदा हथौड़ा दौड़ा लौकी चौदह और पौधा। देखिए ये पूरे पिक्चर्स के नीचे, अब तक जितने भी नहीं लिखे ना ये पिक्चर्स के नीचे टेस्ट पेपर में भी कंप्लीट करना। नेक्स्ट देखिए इन शब्दों में आपकी मात्रा, इन शब्दों में आपकी मात्रा, औ की मात्रा लगाकर सिंबल लिखिए। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग द औ साइन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग द औ साइन। देखिए यहाँ मन, यहाँ औ की मात्रा इसमें नहीं है, यहाँ देखिए मौन, यहाँ पर क्या लगाया? औ की मात्रा लगाया। देखिए यहाँ मौन, दड़ यानी दौड़, यहाँ क्या लगाया? औ की मात्रा। कण कौन, यहाँ औ की मात्रा। लट लाउट, मका मौका, मका यानी मौका। चढ़ा चौड़ा चौ